हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो मैं बनाऊंगी आज मेदू वड़ा। उसके लिए मैंने उड़द की दाल, मैंने कल रात ब्लॉग में आपको बताया था, भिगा दी थी। और वैसे मैं काम कर रही हूँ, बहुत सारे कपड़े धोए, मशीन लग रही है कपड़ों की, बर्तन साफ किए, झाड़ू पोछा, बहुत सारा काम घर में किया। काम सारा हो चुका, मैं जा रही हूँ नहाने। और दाल मैंने तैयार कर दी है, चटनी भी बनाएंगे, चटनी भी बना के दिखाऊंगी मैं। और ये मेदू वड़ा उड़द की दाल के बना के दिखाऊंगी। तो आज की रेसिपी ये होगी, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ आज रेसिपी दे दूँ। और जब तक मैं मतलब दाल धो के मैंने रख दी है, और मैं जतिन को दे दूँ, जतिन पीस के रख देगा, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसको बोल दूँगी, वो पीस देगा। वो तो मैं फटाफट से नहा के आ जाऊँ, काम सारा हो चुका है, तो मैं अभी नहा ही नहीं हूँ। और मैंने ब्लॉग तो अपना स्टार्ट कर दिया, मैं नहाने के बाद मिलूँगी आपको। तो गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ, अभी हम बनाएंगे बड़े दाल के। दही जमाया था रात, जतिन की फरमाइश पर दही जम चुका है। और दोनों भाइयों को बड़े खाने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है। परसों भी बनाए थे, उसकी मैंने रेसिपी नहीं दी, अब बना रही हूँ। चलो रेसिपी भी दे दूँ थोड़ी सी, काम कर करके थक गई। बहुत यही बोलती हूँ मैं, थक गई। ठीक है, मैं फिर कढ़ाई चढ़ा दूँ, तेल डाल दूँ कढ़ाई में, बनाने की तैयारी करूँ। तो पहले मैं बना रही हूँ चटनी। दाल यहाँ पे पिस गई है, अभी मैंने कुछ डाला नहीं है इसमें। चटनी बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है, टमाटर लिए आधी किलो, आधी किलो प्याज, एक लहसुन की बड़ी गांठ ली है मैंने नुका के, और सरसों का तेल लिया है। इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे, और डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक और मिर्ची, थोड़ा सा भुनने के बाद डालेंगे। तो यहाँ पर ले लिए मैंने मिर्ची, नमक, जितनी हमें खानी है उतनी, और इनको सबको मिला के अच्छे से भून लेंगे 10-15 मिनट। और जैसे ये भुन जाएगा, उसको जैसे ये भुन जाएगी प्याज टमाटर, इसको कर देंगे साइड में, और ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। जैसी ठंडी हो जाएगी, ऐसे इसको पीस लेंगे, कि चटनी बन के हो जाएगी हमारी रेडी। तो जब तक हमारे टमाटर प्याज भुन रहे हैं, तब तक मैं बड़े बनाने की तैयारी कर लूँ। तो यहाँ चढ़ा दिया मैंने बड़ों के लिए तेल कढ़ाई में, और मैंने डाल दिया इसमें जीरा, हींग, नमक, इसको अच्छे से मैं मिला लूँ। आज मोटा पीस ना, चटनी कम ना पड़ जाए। चटनी कम ना पड़ेगी, ऐसा लगा। और जी, इतने इतने बड़े धनिया होंगे, कल तक खराब है ना? खराब थोड़ी होंगे, सही है भैया। तब मैं कह रहा हूँ चटनी कम पड़ जाएगी। वहाँ में क्या बिगाड़ो? डाल क्या हमें? वो चेक करो। तो मैंने पानी में हाथ भिगा लिया है, अभी बनाने की सब्जी तैयारी। ऐसे लेंगे ऐसे इसको मीठा की सहायता से। ऐसे क्या है? गोल के ना हो, दाल थोड़ी पतली है, ऐसे बहुत पतली है इधर। अरे यार, बनेंगे तो ऐसे ही थोड़ी, वैसे पतली करके ना लो, ज्यादा मोटा है वो, चिकना पाएगा वो। चम्मच से डाल ले फिर, ऐसे ये वो सूती कपड़ा लाना पड़ा, वहां पे बनेंगे सही ऐसे करके ना। हाँ, कोई कपड़ा ढूंढ ले जा चुन्नी टाइप के से। अभी मैंने एक कपड़ा ले लिया है यहाँ पे, अभी इसको बना के देखूंगी।
पहले मैंने हाथ से ही बनाए हैं, अच्छे बन गए। मतलब यहाँ पे बनाओगी? हाँ। जलेबी की तरह बनाओ ना, के अंदर भर के। जलेबी भी बड़े आ जाएंगे, वो जलेबी आ जाएंगी, वो बन जाओ। पतलो है ना, तो वो छेद बंद रहता है। वो ऐसी बना है, वो अपना बन सकता हूँ। पलटो मैंने। तो गाइस मैंने मिलाया इसमें कॉर्नफ्लावर एक कटोरी भर के, अभी देखते हैं। तो गाइस अभी हमने कॉर्नफ्लावर मिलाया, तो अभी बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। टेस्ट तो सेम ही रहेगा इसका, लेकिन थोड़ी सी शेप बिगड़ जाएगी, तो भी आपको दिख रहे होंगे थोड़े टेढ़े मेढ़े। इसको दिखा, थोड़ा दूर रहिए, छिटा छिटा आ जाओ। गैस तेज करो। अरे हमने गैस तेज ना करी। मोबाइल मत गिरा दिए अंत में। कढ़ाई हो गई अच्छी, कोई भी चीज़ सीखो ना चुपट जी जाता है। पहले बनाए मैंने कितने अच्छे बने ना, गोल गोल। मोल यार तुमने कब बनाए थे? अरे वहाँ रेत का हम जब पहले जो हमें पहले दुनिया में। तो गाइस बन रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। थोड़ी सी सेफ टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, कोई दिक्कत ना, खाने के बाद सब पेट में जाते हैं। टेढ़े सीधे बना वो टेढ़े हो जाते हैं। तो गाइस अभी ठंडा हो चुका है, तो हमने चटनी के लिए टमाटर प्याज भुने थे ना, ये हो गए ठंडे। अभी इनको थोड़ी सी तो गर्म है, इतना चाहिए मुझे तो चेक कर लिया। तो अभी इसकी पिसेगी चटनी। तो गाइस जब तक बरे सीख रहे, मैं खा रही हूँ दही, तो खड़े खड़े थक गई। और सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया, तो मैं नाश्ता में खा रही हूँ दही, और ज़्यादा सा लिया मैंने, मन कर रहा था दही खाने का। तो बरे में खाऊंगी लेट, क्योंकि मैं पहले खाऊंगी दही, क्योंकि ये उर्द की दाल के ना, तो ये फ़ायदा भी करते हैं और कभी कभी गैस भी बना देते हैं। वैसे गैस के लिए तो मैंने इनमें डाला जीरा हींग, तो इससे पच जाएंगे। और कौन है रे? क्या कौन की आवाज़ आ रही है चप्पल लेने की? तो ठीक है गाइस, बूरा मिला के मैं खा रही हूँ दही। रात जमाया था मैंने, मस्त लग रहा है एकदम। तो गाइस बड़े सारे सीख चुके हैं, और जितने बच्चे खाएंगे मेदू बड़ा चटनी के साथ घर जाएंगे, और बाकी के जो बच्चे हैं उनके बना लेंगे हम दही बड़े। एक भगोना भर के सिक्के दही बड़े भी बन जाएंगे, और चटनी के साथ भी खा जाएंगे। चटनी भी खूब सी बना दी मैंने, बड़े भी बना दिए। रोज़ रोज़ की इनकी डिमांड ख़त्म कर दी मैंने, क्योंकि बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे। परसों भी बनाए मैंने, वो मैंने तुम्हें रेसिपी दिखाई नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि
किचन में पूरे में पानी फैलेगा था, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी सेक लिए थे। और मतलब थोड़ी सी दाल पतली हो गई थी तो हमने डाला था इसमें कॉर्नफ्लावर, बन गए ठीक बने, थोड़ी सेक थोड़ी मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी हुई है, ऐसे ऐसे बने ठीक है। थोड़ी सी आप देख सकते हो इनकी सेप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, पेट में आने के बाद इनकी सेप जैसी है ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाए सीधी हो सब बराबर हो जाएगी। फिर मैं इन्हें ढक दूँ, गैस कर दूँ बंद, और मैं थक गई खड़े खड़े पौधे से खड़ी हुई यहाँ पर मैं, और मैंने दही खा लिया और मुझे नींद सी आ गई दही खा कर। फ्रांसु आने वाला है थोड़ी देर में, जतिन का रूम ऐसे ही पड़ा है, अब करूँगी जतिन के रूम को भी ठीक करूँगी। अब मेरा दही बड़ा खाने को मन नहीं कर रहा है, ना मेरा बेदू बड़ा खाने को मन कर रहा है, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ मैं ठीक है।